मैं वंदना जोशी आज आपको बताऊंगी कि सीजनिंग नमक कैसे बनाया जाता है। सीजनिंग नमक मिलान बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। ये 2 टेबल स्पून नमक है और ये 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर है। आप चाहे तो मिर्च पाउडर की जगह चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और ये 1/2 टेबल स्पून पुदीना पाउडर है और ये जीरा पाउडर है, ये काली मिर्च है और ये सौंठ पाउडर है। सीजनिंग नमक बनाना बहुत आसान है क्योंकि सीजनिंग नमक का मतलब यह है कि और अधिक जो हम सब्जी बनाते हैं या चाट बनाते हैं और ये छोले टिकिया बनाते हैं तो उसमें ऊपर से डालने के लिए जो हम ये नमक बनाते हैं इसको सीजनिंग नमक बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कि अधिक स्वाद बढ़ाने वाला नमक। तो अब ये हम 2 टेबल स्पून नमक इसमें डाल लेंगे और ये लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, ये काली मिर्च पाउडर हमने डाला और ये धनिया, ये जीरा पाउडर और ये है पुदीना पाउडर। इसमें और भी हर्ब्स आप डाल सकते हैं जैसे कि मेथी, सूखी हुई मेथी का पाउडर या तुलसी का पाउडर, जैसा भी मतलब आपको फ्लेवर पसंद हो। तो ये सीजनिंग नमक हमारा बनके तैयार है और जब भी आप कोई सब्जी बनाए तो उसको नीचे उतार के जैसे स्वाद थोड़ा सा सब्जी का अच्छा नहीं लगे तो इसको सब्जी में ऊपर से आप डालकर थोड़ा सा और खा सकते हैं तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही छोले में और ब्रेड में इसमें डाल के आप खा सकते हैं, मक्खन में, ब्रेड में। ये सीजनिंग नमक हमारा तैयार है और यदि आपको मेरा सीजनिंग नमक का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।